कैसे हैं आप सब। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शॉप से। और तो दोस्तों आज हमसे मिलने आए हैं हिमांशु जी, और इनका ब्लॉग का नाम है द बीस्टियंस वेस्टर्न्स ब्लॉग। और आप मेरी वीडियोस में अगर देखेंगे तो आपको पहाड़ की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। और भैया उससे पहले से जुड़ा हूँ जब से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। और भैया की जो वीडियो आई है, ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं यहाँ पर आया था भैया से मिल नहीं पाया था और मैं निकल गया। अच्छा, फिर वापस आया, फिर मैं चला गया, फिर दूसरी बारी जब मैं आया तब भैया से मैं मिल पाया हूँ। और मिलने के बाद मैं अभी बताऊंगा, मिलते रहेंगे, अभी थोड़े दिनों बाद भी मिलते रहेंगे, बाद में आएंगे। और अभी इन बिटवीन आपको कुछ बताना है मेरे को, वीडियोस में बताएंगे जब आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, उसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं कल आया हुआ था और जहाँ पे हाथी दिखा था मुझे। ये हमारे बुआ जी लोगों का घर है और मैं इस तरफ से आया, मैं इधर बैठा हुआ था और हाथी सामने था। तो उसके बाद फिर बारिश आ गई थी रात को, रात को बारिश 8 बजे बंद हो गई थी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हलचल हुई है। आइए, क्योंकि जब बारिश आती है तो जितना भी पगमाक होता है नीचे वो सारा मिट जाता है। बारिश के बाद यहाँ पे टाइगर आया हुआ, देखो ये एकदम फ्रेश पगमाक है, ये कल रात के ही हैं, बारिश के बाद के हैं। और ये इस तरफ को चला हुआ है, ये देखो एक पगमाक इसका ये है। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और दिखाता हूँ, ये टाइगर का अगला वाला पगमाक है, आगे वाला पैर है इसका। और ये मेल है, मेल और फीमेल में ये अंतर होता है। जैसे इसके ये नेल्स हैं, ये नेल्स राउंड सर्कल में है ना ये, तो इससे और इसका जो ये थंब होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये भी थोड़ा गोल सा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये एक तरीका है जो भैया बता रहे हैं कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल था या फीमेल था। वैसे उसको देख के भी पता चल जाता है कि मेल फीमेल, पर अगर आपने देखा नहीं है पगमाक, अगर आपको अगर उसका पता करना है तो उसकी जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया ये इस तरीके से होगा, और फीमेल का ये वाला एरिया थोड़ा लंबा सा होगा। अच्छा, चौड़ा होगा। हाँ, इस तरह से होगा, और मेल का इस तरह से होगा। और फिर आ गया नेल्स वाली बात, नेल्स इस तरीके से होगा इसका। जो मेल होगा उसके तो ऐसे राउंड राउंड होंगे, राउंड राउंड, हाँ इस तरह से होंगे ऐसे, ये होगा। और जो फीमेल होगी उसके ना ये भी ऐसे लंबे होंगे, लंबे लंबे होंगे। हाँ जी, ये भी ऐसे लंबे होंगे, मेल फीमेल। और जब अब तो कैमरा ट्रैप काम करता है, जब भी कुछ भी होता है तो कैमरा ट्रैप काम करता है। जैसे कि अगर टाइगर काउंटिंग करनी है, कुछ भी है तो कैमरा ट्रैप करता है। जब पहले कैमरा ट्रैप जब नहीं था तब क्या करते थे, जैसे ये पगमाक है, पगमाक, तो पगमाक में इसमें फाइबर गिराते थे, फाइबर गिराते, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिक्विड वो गिराते थे, उसके बाद इसका शेप निकलता था। फिर जो शेप होता है उस शेप को कहीं अगर दूसरी जगह में टाइगर पगमाक मिला तो उससे मैच करते थे, जस्ट लाइक कि फिंगरप्रिंट। हाँ, फिंगरप्रिंट बस। और उसमें ये स्केल से भी नापते हैं इसको, तो बाकी उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, पर इतना हमें भी पता है किस तरीके से इसे करते हैं। तो भाई इससे एक चीज़ ये भी देखो, भैया का एक्सपीरियंस, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैं तो कह दूं भाई टाइगर है, टाइगर है, ठीक है। एक होता है कि भैया बता रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पहले कितना मुश्किल रहता होगा। मैं तो कह रहा हूँ भैया कितना मुश्किल रहता होगा, अभी कैमरा ट्रैप से आराम से देख लो पर अब देखो, अब में डिफरेंस और पहले में डिफरेंस। पहले जो काउंट करते होंगे उसके लिए कितना सोचते होंगे कि कहाँ पर टाइगर है, कहाँ पर पगमाक दिख रहा है, पर अब देखो अब तो ट्रैप हो जाता है। पर और एक चीज़ भैया मेरे को पूछनी है, उसका जवाब देना कि अभी मेरे को सुंदरखाल गाँव में यहाँ पर क्या होता है, टीचर है सुंदरखाल, है ना इधर स्कूल है, तो वहाँ पर एक अभी एक टीचर मिले हमको, हम आ रहे थे ऑटो में आ रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर एक या दो नहीं है। जैसे आपने बताया था कि T2 नाम से एक टाइगर फेमस हो रहा है, मतलब फेमस इन द सेंस कि एक है अभी, हाँ, एक है। जो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, जो पकड़ा गया ढेला गेट में है शायद, वहाँ पर क्या बोलते हैं रेस्क्यू सेंटर में, ढेला की साइड, ठीक है, वहाँ पर रेस्क्यू कर रखा है उसको। पर सुनने में आया कि एक और है जिसका नाम T2 नाम से बोल रहे हैं, वो भी डिट्टो कॉपी है, डिट्टो कॉपी है। और मेरे को भी उन्होंने बताया, भैया से तो कन्फर्म कर रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि अभी 51 टाइगर पता चला कि यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखे आसपास के एरिया में, ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं इतना तो नहीं है, ये कि 4-5 तो हम मान सकते हैं, 4-5 ही करें, लेकिन 51 और ये 8-10 किलोमीटर के बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइगर में ही होता है। अगर टाइगर की फैमिली है, हाँ, फैमिली है, तो कुछ टाइम, ज्यादा टाइम भी नहीं, कुछ टाइम वो साथ रहेंगे जब तक कि जो बच्चे हैं वो फुल टाइगर ना हो जाए, हाँ, फुल एडल्ट ना हो जाए। हाँ जी, फिर इनका जब मीटिंग टाइम जब होता है तो इनकी फाइट हो जाती है, या तो एक मेल दूसरे मेल को मार देगा, या तो फिर उसको टेरिटरी छोड़नी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, ये होता है।
फैमिली तो कुछ टाइम रह सकती है, लेकिन ऐसे इतना 51 तो बहुत ज्यादा है। 50 वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, मैं कहता हूँ किसी का एकदम से विश्वास मत करो, बिल्कुल देख लो, कोई एक्सपीरियंस बंदा है या फॉरेस्ट में है उनसे जान लो, उससे क्या होगा आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात पता चलेगी, नहीं तो एक्यूरेट नहीं पता चलेगी। किसी ने ऐसी बोल दिया कि समझ लो ये घर है, घर के पीछे बाग है, तो तुम एक ही जगह खड़े हो जाओगे, खड़े होगे बट डरते रहोगे, जबकि कुछ भी नहीं होगा उधर, क्या पता कुछ ना हो, है ना, ये बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस हो उसी से ही पूछें जाने, ठीक है, ऐसे नहीं मैं भी वो 51 टायर कह रहे हैं, मेरे को थोड़ी हंसी आ गई, मैं आगे हो गया एकदम से, वो पीछे थे ना, मैं पीछे सुन रहा था, मैं आगे हो गया, बोला नहीं, बोला यार क्या बोल रहे हैं यार, भाई भी मेरे साथ में थे उसमें, तो ये बताना भी ज़रूरी है। ये तो फिर वो हो जाता ना कि गलत इन्फॉर्मेशन वाली बात हो जाती है, फिर ये तो ये होगा कि टूरिज्म के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर कुछ, तो वो ऐसे ही डर जा रहा है ना, तो वो चीज़ तो सही नहीं है यार। ठीक है, ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है। और ये वाला आपकी बुआ का घर है ना, बस में थोड़े सुना भैया के फ़ोन से भी वीडियो बनेगी तो आवाज़ आई है, तो फिर आएगा पानी नहीं, अब नहीं तो इसमें पत्थर वत्थर काफी चीजें, अब तो जंग से खत्म हो गया होगा, जंग से बिल्कुल खत्म, जो भी आप लाल पानी दिखा रहे थे अब बस वही निकलेगा। कल भैया ने एक वीडियो डाल रखी थी उसमें लाल पानी निकल रहा है, सोच लो भाई, ये भी है, जब विवेक अवस्थी जी आए थे तभी इतना नहीं टूटा था शायद, नहीं ये इतना ही था क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है जब वीडियो मैंने देखी तो उस टाइम इतना नहीं टूटा था, इतना ही टूटा हुआ जब, क्योंकि आप उसमें बता रहे थे कि बुआ जी का घर आपका यहाँ पर है, एक बार आ जाओ यहाँ पर थोड़ा पास से दिखा रहे थे, ये घर कम से कम 5-6 बार टूटा है, 5-6 बार है, 5-6, एक बार तो ये हुआ था उस टाइम पे सीडी प्लेयर चला करते थे, हाँ सीडी प्लेयर, तो वहाँ टीवी रहते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो वहाँ बैटरी लगा के सीडी प्लेयर लगा रखा है, रात को 11:30 बजे की बात है, और टीवी का थोड़ा वॉल्यूम भी ज़्यादा था, बाहर क्या हाल चला है उसका भी पता नहीं चल पा रहा था, तो बाहर इधर आंगन में 6-7 हाथी आ गए, पूरा ग्रुप आ गया था, 6-7 हाथी, हाँ अच्छा, और हम में से एक जना बाहर गया कि वॉशरूम के लिए कि बाहर जाते हैं, और जब देखा तो हाथी खड़े, वो भागता हुआ अंदर आया, उसने कहा हाथी आ गए बाहर, और कहाँ जाए फिर, फिर उठ के सारे लोग आए बाहर, फिर भगाया। ये एक्सपीरियंस अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हाथी आया ये आया, पर यह है कि अभी 6 मार्च को एक वीडियो आई थी तड़म, सुना भी आपने, तड़म में 3 हाथी आए, आपने वहाँ पे भी चले जाते हैं भैया, मैं तो चौंक गया देख के यार, 3 हाथी, जो ये डैन रिजॉर्ट है, डैन रिजॉर्ट का जो फॉरेस्ट है ना, हाँ, कुमेरिया वाला एरिया, तो वहाँ से वो नाले ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, और कहते हैं ना कि हाथी पहाड़ों में कैसे चढ़ जाता है, वही मैंने लाइव देखा है कि हाथी चढ़ता कैसे, और उस टाइम पे तो फोन नहीं हुआ करते थे, मैं गया था भवनखाल से, भवनखाल और चिमटा के बीच में एक जगह है, तड़म एक तो तड़म का रास्ता जाता है, उन्हें बगड़न से आगे कुछ बोलते हैं, ये सामने पहाड़ी दिख रही हो, अच्छा सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं नीचे था और ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, जब ऊपर को देखा तब तक वहाँ 7-8 हाथी खड़े हुए ऊपर, और इतने बढ़िया ट्रैकिंग कर रहे थे, मैंने तो उन्हें उतरते हुए देखा था, अच्छा, तो वो ना स्केटिंग कर रहे थे, मतलब जहाँ अगर ज़्यादा डीप है तो वहाँ तो एक पैर ऐसे लगा रहे, उसके बाद आगे के पैरों को आगे और पीछे पीछे एकदम स्केटिंग करते, मैं वाह बहुत बढ़िया कसम से यार, ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे बुआ जी के लड़के ने पगमार्क भी बना रखे हैं पत्थर में, लेपर्ड का पगमार्क इतने साइज का होता है, देखो इतने साइज का, अब ये देखो कितना दिख रहा है, देख रहे हो, और जो मैंने दिखाया था एक्चुअल में, सुनील भाई आप भी ध्यान है ना आपको, जो दिखाया था इतना बड़ा पंजा था यार, हम तो भैया वहाँ पर नहाने गए थे जहाँ पर एक पुल बन रहा है, आपने सुना होगा शायद, उधर से नहर से नीचे एक पुल बन रहा है, वो जो दोनों रोड को, हाँ मरचूला को कर रहा है मैच कर रहा है, वहाँ से मरचूला का भी भेज आएगा, हाँ तो भैया वहाँ पर हमसे थोड़ी देर के लिए गए थे कि नहा धो लेंगे, थोड़ा स्विमिंग कर लेंगे, नहा लेंगे, थोड़ा नौसिखिया वे में चले गए हम, समझ रहे हो भैया कैसे चले गए, कोई एक्सपीरियंस वाला हमारे साथ नहीं था, हम गए, जाने के बाद क्या हुआ, बस दिख गए हमें वहाँ पर पंजे, अब पंजे दिख गए, पंजे दिखने के बाद क्या, नहीं टूरिस्ट लेना, क्योंकि नहा धो के फिर थोड़ी देर बैठना भी पड़ेगा, सुखाना भी पड़ेगा अपने को, हम निकल गए वहाँ से। तो अभी अवस्थी जी भी आए थे शॉप पे और भैया से भी उन्होंने मीटअप करा था, फर्स्ट टाइम मिला, बहुत अच्छा लगा, मैं तो कह रहा हूँ कभी आप मिलो ना उनसे, एक्सपीरियंस जो है ना उनका वो लो आप, और इतना अच्छी तरीके से बताए, जिस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था, येलो डॉलर का, ग्रीन डॉलर का सब बताया उन्होंने,
और अगर कोई फ्रॉड हो रहा है किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ भी पता चली फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं तो मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कभी भी विवेक जी से मिलो ना सच में, पूरा एक्सपीरियंस लो। स्टार्टिंग में मैं भी चुप हो गया था, उसके बाद जब बातचीत करी, खुल के खुद करी उन्होंने बात, बहुत अच्छा लगा सच्ची में। तो आप जाइए उनके चैनल पे और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप ना आ जाओ सुंदरखाल, आओ भैया से मिलो और आप एक बार देखो। मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर ऐसे करो कि अगर आप भी हम कर सको तो ये चीज़ करना, कि जैसे कि आपने यहाँ पर कोई रूम्स होम स्टे वगैरह कुछ बन जाए स्टे के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मना कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहे ना, क्योंकि हाथी का इतना है, हाथी का कभी बनाएंगे क्या झोपड़ी या मकान तो तोड़ देगा, कभी कोई बात हो गई तो। हाँ ये भी बात है, फिर थोड़ा दिक्कत इस चीज़ जवाब दे हो जाएंगे ना फिर हम लोग, क्योंकि एक होता है ना देखो भैया भी तो अपना काम करेंगे ना, काम कर रहे हैं अपना। अब जैसे मैं आया, भैया ने मेरे को टाइम दिया, पर एक ही दिन में अगर 10 जने आ जाएंगे तो भैया काम कहाँ से करेंगे। सही बात है, शॉप भी देखना है, शॉप भी देखना है। तो कभी भी भैया को उस चीज़ के लिए फोर्स मत करना कि आप आओ चलो 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 चलो, ऐसा नहीं। देखो भैया के पास टाइम है तब, जैसे मैंने भैया से टाइमिंग पूछी, भैया 3 दिन से कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो मुझे आज टाइम था, कल भी इन्होंने मेरी वजह से एक दिन वैसे ही बिताया। अब ये था कि मेरे को तो मिलना था, ठीक है भैया से उस दिन भी मिला था, पर अभी ये था कि सुंदरखाल गांव दिखा सकूँ, भैया जो बता रहे वो भी दिखा सकूँ और अंदर की चीज़ें दिखा सकूँ, ये नहीं कि बार बार से आया और बार बार से चला गया, ठीक है। इसलिए भैया को कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, छोटा भीम पॉइंट। भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग। हाँ, और एक चीज़ मैं कहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो उससे पहले देख लें मेरी वीडियो, बिल्कुल ये नहीं कि आगे सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं, मेरा ऐसा कि पहले आके देख लो, 10 दिन देख लो, 5 दिन देख लो, पसंद आ रही है तब शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बस मेरा यही मोटिव रहता है और कुछ। दोस्तों इस तरीके से हम गमले तैयार कर रहे हैं, एक ये है, ये भी एक वॉल क्रीपर ग्रास है, ये भी, और ये मिंट है, और ये गेंदा है, ये हाइब्रिड वाला गेंदा जो बड़े साइज़ का होता है, और भी लगाते हैं। और इधर वरुण कर रहा है मेरी हेल्प, और गमले बना रहे हैं हम इस पाइप का, इस पाइप को ये पूरा एक ऐसे एक कट पीस बना रहे हैं, जैसे ये काट लिया वैसे ही काटेंगे इस पर, आई थिंक 5 बन जाएंगे इसमें। What are you doing? Ground. Gardening. Gardening. Are you gardener? Papa. Ant. 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 Which ant? Caterpillar. Oh wow. Caterpillar. What's a caterpillar? It's an ant. It's an ant. No. Are? बेटा डिस्कवरी भी भेजना पड़ेगा मेरे को। कप को फिल करो, फिल करो उसे, फिल करो उसको, फिल करो, फिल करो, गुड बॉय। इसमें प्लांट लगाएंगे ना, एक दिन के है व्हाट Help me! You're empty! What is it?
दोस्तों आज हमारी शॉप पे आए हैं अधिराज जी और मिस्टर आदित्य जी। तो आज इनका हमारी शॉप में था ऑर्डर की देसी चिकन और चूल्हे की रोटी। तो आज इनकी डिमांड थी कि हम खुद कुकिंग करेंगे। ये कुकिंग कर रहे हैं देसी चिकन। कहाँ से हैं सर आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से, ओके। सर आप? रोहतक हरियाणा। अरे फ्रेंड है आप दोनों? हाँ जी। ओके, पहले भी कभी आए कॉर्बेट? पहले नहीं आया, पहली बार है। फर्स्ट टाइम? कैसा लगा आपको कॉर्बेट? बहुत ही बढ़िया, तीन दिन पता ही नहीं लगे कैसे निकल गए। अच्छा, पर आजकल तो थोड़ा पतझड़ का टाइम है ना, सूखा है। आप कभी रेनिंग सीजन में आइएगा, उस टाइम अब बहुत ग्रीनरी हो जाती है और हर जगह जो रफ्ते है ना, रफ्तों में पानी का फ्लो बड़ा प्यारा होता है और जो पेड़ पौधों की जो खुशबू होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है। ये तो मानसून में कभी आए तो बहुत अच्छा। उस टाइम पे यहाँ पे राफ्टिंग हो जाती है। और हम पे आए हम छोटा भीम मैगी सेंटर है कि क्या है, छोटा भीम मैगी पॉइंट, छोटा भीम मैगी पॉइंट। यहाँ पे इन्होंने हमें इनवाइट किया है जी। घर यहाँ पे चिकन बनाने के लिए, पहाड़ी चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है, खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बाकी ये बताएंगे मैंने बनाया है और ये बताएंगे कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है। बेसिकली यहाँ पे विद इनकी फैमिली, आप फैमिली जी, ये हमारी फैमिली यहाँ पे। सो हमें मन था एक बढ़िया कुछ देसी चिकन खाने का, इन्होंने इनवाइट किया, हमने खुद बनाया और खाया और बहुत प्यारी हॉस्पिटैलिटी है। थैंक यू, आप प्लीज़ आइए। और अगेन रिमेंबर मैगी पॉइंट, आप आई थिंक इट इज कहीं तो किसके आसपास है, आप गूगल मैप से भी आ सकते हैं, गूगल मैप से ढूंढ के आ सकते हैं आप यहाँ पे। एंड प्लीज़ यहाँ पे आइए, वेज नॉन वेज दोनों, एंड खाना प्यारा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटिफुल पीपल, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। यू शुड डेफिनेटली कम यहाँ पे, अगर आप रामनगर के आसपास कहीं घूम रहे हैं और आप जिम कॉर्बेट आए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आके खाना खाइए, यहाँ पे आइए, बैठिए, बात कीजिए। थैंक यू, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू। ओके सर, अब आप ये सर लोग हमारे जा रहे हैं अब अपने रिजॉर्ट को। हाँ जी, अब हम तो खा लिया बहुत, टाटा बाय बाय, पेट भर के। ओके जी, थैंक यू, बाय 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 बाय।